तो भाई आज आपको पता चलेगा कि रियलिटी में कॉन्करर रैंक पुशिंग जो स्कैड होती है उसको मारने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं पोचिंग मतलब मेरा जो मैं जहाँ पे उतरा था वहाँ पे मार के मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक VSS देता है। VSF के फुटस्टेप आते नहीं तो भाई ये वाली स्क्वाड इतनी मतलब भाई एक साथ मतलब एकजुट होके फिर रही थी ना, एकदम से सारे के सारे मेरे पे टूट पड़े। तो मैंने समझ चुका था कि भाई जितना जल्दी यहाँ से भागा जा सकेगा मेरे से उतना जल्दी ठीक रहेगा। तो मैं मतलब दबे पाँव से यहाँ से भागा पूरा का पूरा पीछे की तरफ, और बट ये नहीं था कि मैं यहाँ पे इनको छोड़ के भाग जाऊँगा, मेरे को इनको मारना था। बट आप देखना टाइम कितना लगता है, मैं वापस आता हूँ। और ये मेरी गाड़ी वाड़ी जो लेके शायद जा रही थी, पता नहीं क्या क्या मैंने कहा भाई रुको, तुम मैंने ऐसे फायर देके कहा भाई रुको मैं अभी गया नहीं हूँ, यहीं पे बैठा हूँ, मारूंगा तुम्हें जरूर बट टाइम लग सकता है। तो भाई देखना कितना टाइम लगता है। और ये वाली स्क्वाड की जो मतलब वो नहीं कहते कोऑर्डिनेशन, भाई कितना तकड़ा कोऑर्डिनेशन है, तुम इन सब का देखना। तो यहाँ पे मैं इस साइड छत पे आता हूँ और मैंने कहा भाई छत से घुसेंगे, ऐसे तो मारना इनको मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो यहाँ पे मैं देने की इनकी मतलब फुटस्टेप वगैरह मतलब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ हूँ भाई, तुम पीक वीक करो फिर बताता हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि ऊपर इस साइड बंदे हैं, फिर पीक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इस एक बंदे को नॉक करने के बाद इसका जो VSS वाला बंदा था वो काफी मतलब उसको लगी हेड पे लगी, बट पता नहीं कैसे नॉक नहीं हुआ यार, हेड का पूरा साइन आया। तो यहाँ पे इसको फिर से नॉक करने के बाद मतलब अब मैंने सोचा यार क्या किया जाए, आगे चलें या यहीं रुके। बट बाद में सोचता हूँ यार चार बंदे हैं, तीन बंदे हैं, पता नहीं कितने बंदे हैं। बट तभी मेरे को इनका एक और बंदा दिख जाता है और उसको भी नॉक करने के बाद मैंने सोचा यार थोड़ा बहुत तो इनको क्लोज इन करना ही पड़ेगा। तो मैं पहले क्लोज वाले घर पे आता हूँ, उससे ऊपर फिर डायरेक्ट पुश कर देता हूँ इनके ऊपर। और भाई यहाँ पे ये बंदे मेरे पीछे गए, मतलब मेरे पूरा दबे मतलब थकड़े वाला पीछा नहीं करते इन्होंने पीछा किया। बट मैंने भी सोचा यार पीछा कर रहे हैं तो क्या करें, मैं मेरे को मारना तो पड़ेगा ही। बट तभी एक बोट मतलब बीच में डिस्टर्ब कर देता है हमको, हमारी जो फाइट है इसके बीच में। तो मैं यहाँ से फिर से वापस से मतलब पूरा चक्री काट के इस मतलब जो ट्रिपल स्टोरी होता है इसमें आता हूँ, और इधर ये मेरे पे नेड वेड करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इनका नेड वेड आया एक बार, तो मेरे को लगा भाई कहीं फूट वूट ना जाऊँ। और इनको मैंने मारने की पूरी पूरी ट्राई की जितनी मेरी तरफ से हो सकती थी स्टार्टिंग। बाद में मैंने सोचा यार यहाँ से पीछे जाता हूँ, तो इन्होंने मेरे को देख लिया था। बट इनको क्या लगा कि मैं नीचे जंप करके नीचे आ गया, बट मैंने अपना IQ लगा के मैं इसी के ऊपर रह गया। और अब ये बंदे मतलब नेड वेड कर रहे हैं, इनको नहीं पता कहाँ, इनको लग रहा है नीचे साइड में टीपी पी ले रहा है। तो यहाँ पे मैं भी प्री नेड वगैरह फेंक रहा हूँ क्योंकि ये बंदे बार बार में आ रहे थे, नीचे जा रहे थे, ऊपर आ रहे थे, नीचे जा रहे थे। बट यहाँ पे इनका एक बंदा मेरे को फंस जाता है फिर काफ़ी देर के बाद। तो भाई इस एक को तो मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ, इसके बाद ये बंदे जो थे ना हड़बड़ा जाते हैं। मतलब इनको अब समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, और ये बंदा कहाँ से दे रहा है, मतलब उस बंदे को नहीं समझ आया इसने उसको कहाँ से पड़ी क्या लगा क्या रहा। बिकॉज वो एकदम से भागने की ट्राई की, तब तक तो नॉक हो चुका था। तब ये बंदे कर देते हैं मतलब मेरे पे पुश, मतलब इस साइड जो एक दूसरे घर में बंदा था इस पे मैंने एक बार तो नेड करने की कोशिश की, बट तभी ये जंप करके मेरे पे पुश मार देता है। तो मैंने कहा भाई नेड को कैंसिल करो, अब इन बंदों को ही मारना पड़ेगा। अब इनको नहीं पता मैं कहाँ हूँ, बिकॉज जो 9999 की मैंने लगा के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये बंदे इनको समझ ही नहीं आएगा। देखना तुम सब भाई क्या ही मतलब नशे में आएंगे ये। तो भाई यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, मतलब इसको समझ नहीं आई इधर इसको भी कहीं से पड़ी, बिकॉज IQ जो था ना भाई बहुत तकड़ा लगा यहाँ पे। बट तभी ये जो लास्ट बंदा है देखो फिर, तो भाई ये देख लो 4 मिनट मतलब इंट्रो को अपने को 4 मिनट हो गए, 4 मिनट की फाइट। बट इसमें से मैंने क्लिप भी कर दी, मतलब एक अच्छी स्क्वाड को मारने में एटलीस्ट 6-7 मिनट लग जाते हैं, तो कहाँ से हाई किल होंगी समझ रहे हो, इतना टाइम सिर्फ एक स्क्वाड को अगर अच्छी स्क्वाड हो। तो कोई सी नहीं, पढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ, कैसा लगा कमेंट्स में बताना। एक अच्छी स्क्वाड को पेलने में इतना टाइम लगता है भाई, बस बता दो यार। इंट्रो काफ़ी लंबा था, चलो फिर कोई नहीं बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं एक और नई जबरदस्त पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ वापस, और भाई साहब ये वाली वीडियो खतरनाक होने वाली है, तबाही होने वाली है। तो मैं जा रहा था टेंट पे और यहाँ पे 3 बंदे एक स्क्वाड के और एक सोलो बंदा मेरे साथ ही जंप कर गए। तो फिर देखो यहाँ पे मेरे को उतरते मिल जाती है M416।
तो भाई यहाँ पे मतलब तीन बंदे एक स्क्वाड के थे, एक सोलो था, तो इन चारों को नॉक करने के बाद मतलब मेरे को इतनी तो मन में शांति हुई कि हाँ चार बंदे मैंने नॉक कर दिए तो आराम से अब मैं लूट सकता हूँ। बट क्या है ना, जो होता है बोट भाई, ये मतलब नेपोटिज्म वाले बोट है भाई। जब आप आराम से, आपकी हेल्थ नहीं होगी तभी आएंगे, मतलब समझ रहे हो, इस बोट ने दो गोलियों में मेरी इतनी हेल्थ कर दी, अगर ये दो गोलियां और मार देता मैं ख़त्म हो जाता। बट भाई नेपोटिज्म इनका मैं क्या ही बताऊँ, पबजी वाले कितना करते हैं हम जैसे बंदों के साथ। बट यहाँ पे इन बंदों को मतलब आसानी से फिनिश करने के बाद मैं चला गया भाई अपनी खाड़ी लेके रोजोक की तरफ। बिकॉज अब मतलब मैंने पूरा जोन चेक मारा, कुछ था नहीं, तो रोजोक में यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी मेरे को दिखती है, तो मेरे को एक बार तो लगा यहाँ पे मतलब फाइट चल रही होगी तकड़ी। बट आगे देखता हूँ, बस मेरे को एक दो टुच्चे मुच्चे बंदे दिखते हैं, तो मैंने कहा भाई कोई सीन नहीं यार, तुमको भी लपेटना तो पड़ेगा ही। तो मैं इस घर में आता हूँ, और इस घर में आके पहले मैंने क्या चेक कि बंदे हैं तो हैं किधर। यहाँ पे भाई ये हेल्थ वेल्थ मेरे को मिली, बिकॉज पीने की दवाई मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो आप इस पीने वाली दवाई को क्या बोलते हो? मैं पीने की दवाई बोलता हूँ वैसे। तो यहाँ पे इस बंदे को मैंने पूरा टैग दिया, मतलब जिसको पूरा का पूरा टैग नहीं कहते, और मेरे को लगा इसकी पूरी स्कैड होगी, इसके पीछे से इसको कवर देने आएगी। तो मैंने काफ़ी देर इंतजार किया, बट यहाँ पे कोई कवर देने नहीं आता। फिर मैं नेड वेड की ट्राई मारता हूँ कि भाई एक आधे नेड से फूट जाए, इसको थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो मैं पुश करने के लायक हो जाऊँ, बट नेड नहीं पहुँचा पहला। तो मैंने फिर से इंतजार किया कि भाई इसके बंदे क्या पता पीछे से आ रहे हो। भाई कुछ भी नहीं कह सकते, आज के दिन में जो कैंपिंग स्किल्स है ना बंदों की काफ़ी हाई हो गई हैं, सबको एस कॉन्करर जाना है, कंटेंट की ऐसी तैसी करवानी है हमारे की। तो बट तभी मैं फिर दूसरा नेट फेंकता हूँ, और उसके बाद क्या होता है कि भाई मेरे को लगा कि उसको थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ होगा, मामूली सा, अगर नहीं हुआ तो भी कोई सी नहीं। बट भाई फिर मतलब जो मेरे अंदर वाला जो सिस्टम है ना वो हिल गया कि भाई कर दे पुश यार, अब अपने बस की बात नहीं इससे ज़्यादा कैंप करना। तो मैं कर देता हूँ अंधा पुश, आँखें भींच के, फिर देखो तो भाई यहाँ पे सीन क्या होता है, इस बंदे को तो मैंने मार दिया और ये अकेला था, यहाँ पे इसको नहीं मिला। बट तभी जो हिल है ना, हिल की तरफ से मेरे पे फायर आने लगा, तो मैंने कहा भाई हिल वालों तुम शायद इसी के टीममेट लग रहे हो, तो तुम्हारा भी पत्ता तो फिनिश देखो मेरे को करना पड़ेगा, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा, मतलब जी लो अपनी ज़िंदगी, वो कहते हैं ना डायलॉग है ना, जी ले जा, वो ब्लैंक चेक देते पुरानी फिल्मों में, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, वैसे वाला सीन आता। मैंने कहा भाई तुम जी लो अपनी ज़िंदगी दो चार मिनट और, तो मैं कर देता हूँ इधर मतलब पहाड़ी के ऊपर पुश। और इसके बाद देखो इन बंदों का क्या ही मतलब कचुम्मर सा कुत्ता बनाते हैं, बिल्कुल भगा भगा के मारेंगे इनको। तो यहाँ पे दो बंदे फिनिश कर देते, नॉक कर देता हूँ, और इनका तीसरा बंदा भी आ ही जाता है तभी का तभी। तो भाई यहाँ पे मतलब ये एक बंदे को पूरा फिनिश खा गया, दो को मैंने नॉक कर दिया। तभी मेरे को यहाँ पे एक और दिखता है, बट बाद में पता चलता है भाई ये तो बोट है, नेपोटिज्म वाला ही बोट है। मतलब भाई क्या ही बोल रहे हैं इनको, मतलब फाइट के बीच में मेरी किल चुराने आ जाएंगे, मेरी हेल्थ कम होगी तो मेरे को मारने आ जाएंगे, भाई इनका समझ नहीं आता। बट तभी यहाँ पे क्या होता है कि मतलब मैंने सोचा इनको कहीं रिवाइव दे रहा होगा इनका चौथा बंदा, बट मेरे को कहीं दिखा नहीं, तो मैंने सोचा भाई तुमको फिनिश करता हूँ, भाई कोई भरोसा नहीं यार, तुम कहाँ से रिवाइव होके कहाँ से मेरी पेटी बना दो। बट तभी आ जाता है गाड़ी वाला बंदा जो कि इनका चौथा बंदा था, और वो कैसे पुश करता है और उसकी किस टाइप से हम पुत्ती बनाते हैं, मतलब कुत्ता बनाते हैं, वो देखना फिर। तो भाई ये बंदा पहले तो चौड़े में आया कि भाई अपने टीममेट को गाड़ी का कवर देके रिवाइव कर दूंगा, पर जब इसको पढ़ने लगी ना तो भाई इसने सोचा भाई टीममेट गया भाड़ में, अपने यहाँ से भागो जितना जल्दी भागा जा सके। तो इसने पूरी कोशिश की, बट भाई भागेगा तो भागेगा कहाँ, कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज कोई चारा ही नहीं है बेचारे के पास, जाएगा तो जाएगा कहाँ। यहाँ से फिर अपन ने लिखी अच्छी वाली लूट, अब भाई M4 की गोलियाँ देखो यार, मतलब मेरे पास मैं कोई भी गन रखो बट मैं M4 ही चलाता हूँ, क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, मतलब साथ में अगर मेरे पास कुछ भी है ना, जैसे AKM आप देख रहे हो बिल्कुल मतलब खाली छोड़ रखी है भाई, M4 इज एक मतलब अलग ही स्वैग आता है M4 के साथ। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि गाड़ी वहीं से लेके फिर हम निकल पड़ते हैं, आगे की तरफ एक ड्रॉप पड़ा था शूटिंग रेंज साइड, तो मैंने कहा चलो ड्रॉप लूटते हैं। बट वही बात है ना यार, हमारी किस्मत अलग है, गाड़ी देखो भाई, आई एम अ राइडर ब्रो राइडर, वो वाला सीन हो जाता है। मतलब भाई हमारे साथ ही क्यों होते हैं यार, एक गाड़ी थी, बहुत मुश्किल से गाड़ी मिलती है और वो ऐसी जगह पे आके ठुक जाती है, अब कोई चारा ही नहीं बचता। उसके बाद काफ़ी हिद्दर हुद्दर फिरते फिरते मेरे को एक गाड़ी मिलती है, और मैं आता हूँ फिर थर्ड ड्रॉप के ऊपर, और यहाँ पे भाई बग्गी के जो नशे हैं ना, मैं बोलूँ क्या ही नशे हैं ये, मतलब डांसिंग कार बन जाती है, एक बार उधर फिरती है एक उधर फिरती है, पता नहीं इसको कौन से चढ़ जाते हैं,
कौन सा ग्लूकोन डी पी के आती है मेरे को नहीं पता। तो इसके बाद यहाँ पे भाई इस ड्रॉप के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे एक स्कैड पहले से एक और गाड़ी वाला आता है और इनको भाई मतलब पहले तो मैंने सोचा एक ही स्कैड है, मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ तो मेरे को दो दिखी, बट तभी एक पीछे से भी गाड़ी आ जाती है और फिर देखो इनको किस टाइप से मतलब लपेटते हैं हम बिल्कुल सो के लेट के। तो भाई ये गाड़ी वाला बंदा सलमान भाई बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, मतलब सल्लू भाई पूरी पूरी बनने की ट्राई थी इसकी, बट नहीं बन पाया बेचारा। बट क्या ही बोले यार, जिंदगी मतलब अपनी जो पबजी की सांसें इतनी लिखवा के लाया था इस गेम की कि आके ऐसे मरना है। तो इसके बाद मैं इधर चेक करने आया कहीं इनको ड्रॉप से AWM मिल गई हो। भाई AWM जब मिलते ना मेरे पास, चाहे मैं M4 क्यों ना ले रखे हो, मतलब सबसे पहले M4 उठाता हूँ। अगर उसके बाद मेरे को AWM मिल जाती ना भाई मैं नहीं छोड़ता, वो M4 भी गिरा देता हूँ फिर तो मैं AWM के आगे। तो भाई मतलब सच में यार मजे आते हैं। तो इसके बाद फिर रोजो की तरफ आता हूँ, बिकॉज मैं जब यहाँ से मतलब इस ड्रॉप पे आ रहा था तो बीच में मेरे पे कहीं से फायर आया था रोजो की तरफ से, और वही बंदा फिर से फायर करता है और यही बंदा अपने को इस गेम से मतलब कल्टी भी मरवाएगा, मतलब बाहर ही कर देगा देखना। तो मैं इधर आके मतलब इस रिज पे रोकता हूँ बिकॉज मेरे को इसका फायरिंग इस घर से आ रहा था, बट तभी मेरे पे साइड से एक बंदा देखो किस टाइप से देता है मेरे को मतलब लपेटने की पूरी पूरी कोशिश। तो भाई यहाँ पे इस घर में मैं आता हूँ बिकॉज मेरे को डर था कहीं यार मर जहाँ जाऊँ कंटेंट की ऐसी तैसी हो जाए। लास्ट के 2-3-4 बंदे ही बचे हैं, अब मेरे को नहीं पता ये उसी स्क्वाड का बंदा है, मतलब उसी के साथ का बंदा है जो ऊपर की साइड है, क्या पता है फ्लैंग फ्लूंग मार के अलग अलग जगह पे बैठे हूँ। बट मेरे को डर था, मैं इधर मतलब खिड़कियों से भी टीपी पे नहीं ले सकता क्योंकि उसका डर, इधर से इसका डर। तो भाई चारों तरफ मैं कहता हूँ अंधा पूसी मार देते हैं भाई। तो इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ इजीली बीच को, भाई ग्रोजा के सामने अब M4 AWM क्या ही करेंगे, हर गन का मतलब तोड़ा तोड़ होता है। तो मैं इस पे नेड भी कर देता हूँ और उधर से ऊपर वाला बंदा भी नेड कर रहा। अब मेरे को नहीं पता ये इसी का था, शायद इसी का था बिकॉज वरना दो बंदे इतने क्लोज में और क्या ही कर रहे होते, क्योंकि इनको मेरे को इनकी मेरे को फाइट भी देखने को नहीं मिली। तो अब लास्ट वाला जो बंदा था ना उसने मेरे को काफ़ी डिस्टर्ब किया, बट एट द एंड मैंने सोचा यार कंटेंट बचाया जाए बिकॉज ये बातें बाद में भी हो जाएंगी। तो मैं अपनी बग्गी की तरफ जाता हूँ आराम से दबे पाँव से, मैं अब नहीं पता मेरे को उस बंदे की लोकेशन, वो घर पे है या घर से आगे आ चुका, बट वो बंदा कर जाता है मेरे पे क्लोज इन और मैं जैसे ही यहाँ से बग्गी लेके भागता हूँ ना भाई, तो बाद में मेरे को होता भाई। तो भाई बाद में मेरे को होता है ऐसी तैसी कराए मतलब कंटेंट भाई नहीं कराए, बट यार मतलब बंदा इतनी देर से डिस्टर्ब कर रहा है यार पहले इसको मारा जाए। तो मैं इस बंदे पे भाई वापस पुश कर देता हूँ और ये बंदा इतना चाला कि वापस उसी घर में चला जाता है। तो मैं इधर स्मोक वमोक करके पूरा का पूरा मतलब पूरी स्ट्रेटजी से घुसने, बट कैंपर का पता है ना आपको, फुटस्टेप देने का नाम नहीं लिया। अब मेरे को फुटस्टेप आ नहीं रहे थे, मेरे को नहीं पता था किधर कैंप कर रहा है। तो मैं मतलब स्मोक वमोक करके पूरा का पूरा घुसने की मेरी ट्राई मतलब अंधा कर दिया इसको, मतलब छोड़ा ही नहीं। फिर देखो तो यहाँ से मैंने मारने की ट्राई की, मैं भी हो सकता है फिर मैं अंधा घुस जाता हूँ। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। सॉरी गाइज इट्स नॉट ए फुल गेम प्ले भाई, एंड में मैंने दिखा दिया यार कैंपर के थ्रू मर जाता हूँ, मतलब मैं वहाँ पे चेक करने खड़ा होके चेक कर रहा हूँ कि बंदा है या नहीं, वरना अगर मेरे को पता होता उसी साइड बैठा है तो मैं प्री फायर करता जाता, मे भी मान तो मेरी गलती, मैंने हक गया भाई बहुत तकड़े वाला। बट कोई बात यार, एक आधी बार ऐसा हो भी जाता है, हर दिन तो यार पूरा गेम प्ले ना भी आए। बट स्टार्टिंग वाला सीन कैसा लगा, जो मैंने एक अच्छी स्क्वाड को किस टाइप से मारने का काफ़ी लंबा समय दिखाया था, और गेम प्ले कैसा लगा, मतलब मैंने यार आज छोटी से छोटी क्लिप मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने के बजाय पूरा जल्दी से जल्दी गेम, बिकॉज स्टार्टिंग वाली क्लिप काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो बता देना कमेंट्स के अंदर। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, 50,000 करोड़ सब्सक्राइब कर देना और अपने 500-700 फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद जय भारत।